मुझे फिर से वहम हो रहा है। जैस्मिन, उस फूल को मत छूना। उस फूल से दूर हटो, तुम्हें हमारी कसम। ये तो सच मुझे है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन वो उस फूल से दूर हटो, वो दुनिया का सबसे जहरीला फूल है। क्या? हाँ। आखिरकार हमने बाजी पलट ही दी भाईजान। अब देख लो, वो बेचारा अलादीन ताजपोशी की तैयारी में लगा हुआ है और वहाँ उसकी अम्मी मतलब रुखसार बेगम ने उस बेचारी किस्मत की मारी यास्मीन को एक जहरीला फूल लाने के लिए भेज दिया, अपनी मोहब्बत अपने आशिक के लिए। इसे छूते ही एक पल में वो इस दुनिया से रवाना हो जाएगी। कभी हमें इन कम अकलों पर बहुत तरस आता है कि घूम फिर कर वापस हमारे पास ही आते हैं, फिर हमें याद आ जाता है कि हम तो कमीने हैं। अब नेकी भलाई ये सब करने लगेंगे तो कमीनापन कौन करेगा? कमीने। अब तुम घबराओ मत, हम आ गए, हम वहीं बात करेंगे। अम्मी, हम कहाँ चले गए थे? हम कितना परेशान हो गए थे। मैं सुल्ताना यास्मीन की ताजपोशी के लिए फेरूज को दावत देने गई थी। अल्लाह अल्लाह, बीबी छप गई रे भी। और हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। लेकिन अम्मी, जब भाई हम दोनों को फेरूज बेगम के बारे में बता रहे थे, उस वक्त कमरे में तो सिर्फ हम दोनों थे, तो फिर आपको फेरूज बेगम के बारे में कैसे पता चला? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी अलादीन। बताइए अम्मी, आपको उनके बारे में कैसे पता चला? अगर अंगूठी छाप या चिराग पे जिनको थोड़ा भी शक हुआ ना, तो हमारा पर्दाफाश हो जाएगा कि अम्मी हम लोगों के काबू और कब्जे में है। कुछ नहीं होगा, मैं कुछ करती हूँ, आप मैं संभालती हूँ। मैं अलादीन की अम्मी हूँ, उसकी हर छोटी चीज उससे ज्यादा जानती हूँ। सच कहूँ तो तुम दोनों को अलादीन से फेरूज के बारे में बात करते सुन लिया था, तो मैंने सोचा अलादीन को तो हजार काम होंगे, ये छोटा सा काम मैं कर देती हूँ। माशाल्लाह अम्मी, आपका जवाब नहीं। फेरूज ने आने के लिए हाँ कर दी ना अम्मी? हाँ, अकेला अलादीन ही कामों में नहीं लगा है, मुझे भी बहुत से काम है। चलती हूँ।
चलो। बड़ी उस्ताद को क्या हुआ? अलादीन, अलादीन, अलादीन क्या हुआ? अलादीन मुझसे बात करो, आंखें खोलो। क्या हुआ निकम्मी शहजादे? आंखें खोलो ना निकम्मी शहजादे। नहीं अलादीन, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम बात करो अलादीन, उठो उठो। हम कब आते हैं कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाला भी नहीं जानता। ये बात किसी ने कही नहीं है पर एक दिन कहेगा जरूर। तुम ठीक हो? तुम गले लगकर इतना रोगी, आंखें खोलो अलादीन उठो तो ठीक तो नहीं पड़ेगा। सचमुच ठीक हो? ऐसी हो तुम? जब ठीक नहीं थे तब भी तुम्हें दिक्कत थी, जब ठीक हो तो भी दिक्कत है। ये सब छोड़ो, तुम बाकी थक गई हो, जाकर आराम करो। क्या इतना कुछ हो गया? आपने फिर से सुल्ताना की जान बचाई? अरे वो सब ठीक है लेकिन इतना मसाला जिंदगी में नहीं होना चाहिए और ना ही इन दोनों के बीच में, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो जिनू, अब हम बहुत जल्द अम्मी को सब कुछ बताने वाले। एक बार उनकी दुआ मिल जाए फिर कोई गड़बड़ नहीं हो। लेकिन अम्मी की दुआएं तो पहले ही आपकी और सुल्ताना के साथ है। क्योंकि हमने पहले से ही उन्हें बता दिया। क्या तुमने बता दिया? तुमने सब उन्हें बता दिया? वो खुश है? सही खेल गए। तेरी किस्मत की तो निकल पड़ी बिड़ू। बड़ी उस्ताद तेरा एकदम माँ के माँ पे ख्याल रखती है। चटर पटर, बड़ी उस्ताद के दिल में हम सबके लिए कितनी मोहब्बत है मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे उस खतरनाक जादू इलाके में क्यों भेजा। ताकि तेरे अकेले भेजे को मालूम चले बाप कि तेरे को मक्खन मलाई से प्यार पीर हुएला भी है कि नहीं। वही तो चटर पटर, मुझे अपने सवालों का जवाब तो मिला ही नहीं बल्कि मेरे मन में जो उलझन थी वो और बढ़ गई है। और मुझे वहाँ भेजना किसी की साजिश थी। अम्मी मेरे खिलाफ साजिश क्यों करेंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अलादीन से और अम्मी से बात करनी है। अम्मी की दुआ मिल गई, अब बस महबूबा की हाँ मिल जाए तो कमाल हो जाएगा। हमसे इंतजार नहीं होता, अगर इस वक्त यास्मीन हमारे सामने होती तो हम उससे इजहार मोहब्बत करते थे। अलादीन! यास्मीन! अरे अल्लाह ने आपकी बात सुन ली। हाँ सुल्ताना आ गई। तू अब हमें करना क्या होगा? अरे अपना इजहार इश्क करके ना। ठीक है तुम लोग चुप जाओ। अरे जिनू उधर कहीं जाके चुप हो। चलो चलो चलो। इतना अंधेरा क्यों है? अम्मी, अलादीन, अलादीन, अच्छा हुआ तो मुझे मिल गए। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा सुनो, मैं Thank you.
जितनी शिद्दत से तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है, हर दर्रे ने हमें तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये किसने कहे? अब तक तो नहीं कहा, पर एक दिन कहेगा जरूर। यास्मीन, पिछली जिंदगी में हमारा मिलके बिछड़ना, इस जिंदगी में हमारा बिछड़ कर मिलना, इस बात का एक ही सबूत है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। इतने वक्त से जो हमारा दिल कुछ कहना चाहता था, जो अब हम तुम्हें कहना चाहते, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं यास्मीन। आंखें कुछ अलग लग रही थी और अलग तरह से चमक भी रही थी, और ये कैद खाने की तरफ क्यों जा रही है? ये किसी हॉस्टल में तो नहीं? हमने तो अपना सच कह दिया, भी कह दो कि तुम हमसे मोहब्बत करती हो। माफ करना, लेकिन शायद मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मजाक कर रही हो ना, हमें परेशान करना तुम्हें अच्छा लगता है ना? देखो, तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई, मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ। पिछली जिंदगी में जो हमारे बीच था वो सच था, बहुत खूबसूरत था, पर इस जिंदगी में मेरा सच यही है। मगर मैं इस जिंदगी में नहीं जानती कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ या नहीं। शायद इस जिंदगी में मुझे उस मोहब्बत को समझने का मौका ही नहीं मिला, और जितना मैं समझ पाई हूँ ना, उससे मुझे ये समझ आया है कि हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं, और इसीलिए तो हम हमेशा लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम दोनों एक दूसरे की फिक्र क्यों करते हैं? तुम्हें चोट लगती है तो दर्द तुम्हें होता है, और तुम्हें दर्द होता है तो जान हमारी क्यों निकल जाती? यकीन मानो, मैं खुद ही इन सवालों के जवाब ढूंढ रही हूँ। इन सवालों का एक ही जवाब है यास्मीन, कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। देखो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ तो है, पर वो दोस्ती हो सकती है, फिक्र हो सकती है, हमदर्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं खुद ही नहीं जानती कि वो क्या है, तो मैं तुम्हें कैसे कह दूं कि वो मोहब्बत ही है? तुम सही कह रही हो, सही खेल गए। मोहब्बत नहीं है, अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कहते कुछ है, लेकिन आप लोगों की आंखों में साफ साफ पता चलता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने। छोटे सुल्ताना,
आपको अपनी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद आ गया ना, फिर अपने और आका के रिश्ते को लेकर आपके दिल में उलझन क्यों है? मैं नहीं जानती, लेकिन उलझन है, इसीलिए मैं अम्मी के कहने पर नूरे नजब फूल लेने शाहीन सड़क तक चली गई। क्या मतलब अम्मी ने आपको वहां भेजा था? हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि वो फूल मुझे बताएगा कि मेरे मन में अलादीन के लिए कुछ है या नहीं। यास्मीन शाहीन सड़क से सही सलामत वापस आ गई है। अलादीन ने वहाँ पहुंचकर उसे बचा लिया और अब अपने प्यार का इजहार कर रहा है। जहाँ अंधेरे में इस काल कोठरी में पड़े हुए हैं, वहाँ वो अपनी मोहब्बत के चिराग रोशन कर रहे हैं। फेरूज यास्मीन की ताजपोशी में आने के लिए मान गई है। तुम इतना उदास क्यों हो रही हो? इन मोहब्बत के चिरागों को बुझाने वाली आ रही है। रोज आएगी, जश्न मनाएगी और फिर अलादीन और यास्मीन के ख्वाबों के महल को चमचान बनाएगी, चमचान बनाएगी ना। अब समझ आया कि क्या चक्कर है। सफर और जहर ने बड़ी उस बात को अपने काबू में कर लिया है, तभी वो कठपुतली की तरह उनका काम कर रही है। हाँ, मुझे ये बात फौरन ही अलादीन को बतानी होगी। ये सच नहीं है यास्मीन। ये सच है, तुम उनसे खुद पूछ। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है यास्मीन। तुम्हें तो क्या अपने दुश्मन को भी ऐसी जगह नहीं भेज सकती, और तुम हमारी अम्मी के बारे में बात कर रही हो यास्मीन। हाँ, मुझे पता है कि हम अम्मी की बात कर रहे हैं, वही अम्मी जो सर से पांव तक मोहब्बत की बनी हुई, और इसीलिए मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ ये पूछने के लिए कि उन्होंने मुझे वहाँ क्यों भेजा। उन्होंने तुम्हें नहीं भेजा, मेरा यकीन करो। यकीन करने वाली बात कहती तो हम यकीन कर लेते यास्मीन। देखो, हमारी मोहब्बत को तुम्हें ठुकराना है, अपनाना है, वो तुम्हारा हक है, लेकिन हमारी अम्मी पर इल्जाम लगाने का हक तुम्हें तो क्या इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। ना ये कोई झूठ है और ना ही कोई इल्जाम। मैं अम्मी की इज्जत करती हूँ अलादीन, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ और नहीं सुनना है। शुक्रिया अलादीन, मेरे मन में तुम्हें लेकर जो भी उलझन थी ना, तुमने सब सुलझा दी। अब मैं जानती हूँ कि तुम्हें मना करके अपनी जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया है। जिस इंसान के मन में मेरे लिए भरोसा नहीं, उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत हो ही नहीं सकती। भाई, आप क्या चाहिए उन्हें मनाइए। हरगिज़ नहीं। तो अपने आपको समझती क्या है? बगदाद की सुल्तान अगर वो है तो हम भी तुर्किस्तान के शहजादे, और शहजादे ऐसे ही होते हैं। आका, आका, छोटे, ये सब क्या हो गया? सुल्ताना ने ऐसा क्यों कहा कि अम्मी ने उन्हें उस खतरनाक इलाके में भेजा? धनी, कुछ समझ में नहीं है। हो सकता है प्यारी परेशानी जी झूठ बोल रही हो, या फिर अम्मी ने वाकई में उन्हें वहां भेजा हो। सर, मैं दोनों बातों को सच नहीं मान सकता, लेकिन इनमें से कोई एक बात तो सच होगी, पर कौन सी? लगता है कोई छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। रुक सर, जाओ, जो भी है उसे रोको, जाओ। यास्मीन अम्मी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती है? अगर अम्मी ये बात सुन लेती, ना जाने पर क्या बीतती। जोड़ने की ताजपोशी के बाद हम अम्मी को लेकर तुर्किस्तान लौट जाएंगे, लेकिन अम्मी कहाँ है? अलादीन, आला, हमें कोई बुला रहा था। खेल गए, आवाज कहां से आ रही थी?